मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और इसमें ये बैच एड का कोड ओपन कर लिया हमने। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में ये हेलो वर्ल्ड सर्वर बना लिया था, आज हम इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो डिप्लॉयमेंट पहले ही कर लिए, लेकिन हम फिर भी ब्रीफली ज़रा उसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं। अच्छा, इस कोड को, ये जो हमने लिखा था लास्ट टाइम, इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। फोल्डर का जो नाम है इसमें वो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड सर्वर, मैं इस पूरे फोल्डर को एक कॉपी बनाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ टू, और हेलो वर्ल्ड सर्वर ऑन क्लाउड, सही है। इसमें ये मैं एक छोटा सा एड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि हमें इस कोड को सर्वर को किसी क्लाउड में डिप्लॉय करने के लिए इस कोड में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं हमें, सही है। अच्छा, सब लोग तवज्जो से सुने, क्योंकि हो सकता है कुछ आपने मिस कर दिया हो तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वो क्या आपको चीज़ है जो चेंज करनी पड़ेगी इसको क्लाउड पर डिप्लॉय करने से पहले? इसका पोर्ट नंबर, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर जो अभी मैंने लिखा हुआ है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट पोर्ट और 3000 लिखा है, कि जब इस सर्वर को रन किया जाए, इस सर्वर के सॉफ्टवेयर को इस चलाया जाए इस मशीन पे या किसी भी मशीन पे, तो जी ये वाली, तो ये पोर्ट 3000 का मतलब है कि इस सर्वर के कोड को जब रन किया जाए इस मशीन पे या किसी भी मशीन पे, तो उसमें पोर्ट नंबर 3000 पे इसको चलाया जाए। पोर्ट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पोर्ट वो जगहें होती हैं जो किसी जगह दाखिल होने के लिए या वहाँ से बाहर आने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि हमने सी पोर्ट, एयरपोर्ट पढ़ा था कि शहर के दाखिली और ख़ारिजी रास्ते होते हैं जिनको हम पोर्ट्स कहते हैं उनको, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर में भी पोर्ट्स होती हैं, हमने डिस्कस किया था, यूएसबी पोर्ट होती है, वीजे केबल की पोर्ट होती है, एचडीएमआई पोर्ट होती है, तो बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं जिससे डेटा कंप्यूटर में दाखिल होता है या कंप्यूटर में मौजूद डेटा बाहर निकलता है वहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास हमारे कंप्यूटर में वर्चुअल पोर्ट्स होती हैं और ये वो पोर्ट का नंबर है, ठीक है। इंटरनेट मेरे कंप्यूटर से कोई भी रिक्वेस्ट निकल के अगर इंटरनेट पर जाती है या इंटरनेट से कोई डेटा वापस आता है और मेरे कंप्यूटर में दाखिल होता है, तो वो किसी ना किसी पोर्ट से होगा। वो उसको ऐसा नहीं होगा कि सारी पोर्ट्स बंद हैं और वो एंटर हो गए, ठीक है। तो पोर्ट्स का खुला होना ज़रूरी है और पोर्ट्स का खाली होना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे एयरपोर्ट होता है, अब एयरपोर्ट में गेट्स होते हैं ना, काइंड ऑफ, ठीक है, जिस पर जहाज़ आगे लगता है, तो इसी तरह ये आप समझ जाएँ कि वो नंबर है गेट का। जब आपको जब आप फ्लाई करने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट, तो आपको जब बोर्डिंग होती है आपकी, बोर्डिंग पास आपको मिलता है, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि फ़लाँ गेट नंबर पे आपका जहाज़ लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं उस गेट नंबर पे चले जाते हैं। अब इमेजिन करें कि सारे गेट फुल हैं अगर और कोई नया जहाज़ उतर रहा है, तो वो कहाँ लगेगा, तो सारे फुल हैं गेट, तो वो फिर क्या करेगा, वो रनवे पे ही खड़ा होकर इंतज़ार करेगा किसी एक गेट के खाली होने का और वहाँ लगेगा, उसमें जो लोग बैठे हैं वो भी उसी में बैठे रहेंगे, ठीक है, वेट करना पड़ेगा उसको। तो इसी तरीके से हमारे पास कोई भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो रही है जब, तो किसी जिस पोर्ट से मैं चला रहा हूँ ना ये डेटा, उस पोर्ट का अवेलेबल होना ज़रूरी है। आप इसको एक सर्वर आप रन करेंगे पोर्ट 3000 पे और एक दूसरा छोटा सा सर्वर लिख के आप उसको भी 3000 पे रन करेंगे, तो वो मना कर देगा, वो कहेगा नहीं यार 3000 पे एक वक्त में एक ही सर्वर चल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं चल सकता। अच्छा, तो मैं इसको 3000 पे चला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस लैपटॉप में 3000 की पोर्ट पे कोई और सर्वर नहीं चल रहा, तो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। मैं 3000 के अलावा भी बहुत सारी पोर्ट नंबर्स हैं जो मुझे पता है इसमें खाली है, अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, खाली कैसे पता है, क्योंकि कुछ नहीं चल रहा तो बस नहीं चल रहा, खाली है वो। लेकिन जब यही मेरा सर्वर का कोड किसी क्लाउड में जाएगा, किसी दूर किसी ऐसे कंप्यूटर में जाएगा जो मैं इंटरनेट के ज़रिए उसको सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ, तो वहाँ पे और भी लोगों के सर्वर चल रहे हैं, ठीक है, और हर सर्वर एक अलग पोर्ट पे चलेगा, जाहिर है सेम पोर्ट पर तो दो सर्वर चल नहीं सकते। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उनकी मशीन में कौन सा पोर्ट खाली है, मुझे तो नहीं पता चलेगा ये, ठीक है।
तो इसका मतलब है पोर्ट 3000 पे मैं नहीं चला सकता इस सर्वर को, मुझे कुछ दूसरा तरीका करना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें कोई एक्स एक्स कोई पोर्ट नंबर मुझे बताना पड़ेगा और 3000, ठीक है। मुझे पहले 3000 पे चलाने से पहले किसी और जगह देखना पड़ेगा कि यार कहाँ पे पोर्ट नंबर है। तो वो जितने भी ये सर्वर हैं, जो नॉर्ड जेएस का जो सर्वर कहते हैं कि हमारे पास ले आओ, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में, इसको कैसे लिखोगे आप, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ऐसे करके आप लिखोगे उसको, सही है। तो ये क्या चीज़ है, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में को एक्सेस कर रहा हूँ मैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है कोई बता सकता है? हर कंप्यूटर के अंदर ना एक जगह बनी हुई होती है जहाँ पे की वैल्यू पेयर एक स्टोर हुआ हुआ होता है। जैसे वर्ड मीनिंग लिखते हो ना, एक तरफ वर्ड्स लिखते हो एक तरफ मीनिंग लिखते हो, ऐसे की वैल्यू पेयर का एक स्टोर होता है हर कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो होता है, वहाँ पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, ठीक है, आमतौर पर। अच्छा, तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल आपके कंप्यूटर में आप खुद चाहें तो उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे और स्टार्ट का बटन दबा के आप क्या लिखेंगे, env, ठीक है, env लिखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की स्क्रीन खुलेगी आपके पास, कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी अगर आप विंडोज़ में हैं तो। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये की है और ये वैल्यू है उसके आगे, ठीक है। तो अब जैसे देखें, इसमें लिखा हुआ है पाथ, और पाथ के आगे एक एक वैल्यू लिखी हुई है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे एक पाथ है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। इसी तरह आप देखें, नंबर ऑफ प्रोसेसर एक की है, उसके आगे वैल्यू लिखी हुई है 8, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें एक क्या होगा, विंडोज़ के आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं होगा, आप चाहें तो लिख दें यहाँ पे आके हाथ से, हाथ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब जिस कंप्यूटर में मैं भेजने लगा हूँ ना इसको, उन्होंने आपस में एक रूल सेट किया हुआ है कि वो यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके कैपिटल लेटर से PORT पोर्ट लिखेंगे, और उसके आगे एक पोर्ट का नंबर लिख देंगे जो इस वक्त अवेलेबल है, इस वक्त उस कंप्यूटर में अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मैंने फ़ोन किया, उसने कहा वो नहीं है बंदा, दोनों वाले वो छोड़ के चले गए। थैंक यू सो मच भाई। ये नीचे जो चाय वाला है ना, इसको मैं फ़ोन कर देता हूँ, तो वो अब फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो वो उसका बंदा चला गया बाहर वाला, तो मैंने हजरत से कहा कि सर वाला मुझे पहुँचा दें चाय। अच्छा, तो यहाँ पे ना वो कैपिटल P से पोर्ट लिख देगा और उसके आगे एक नंबर लिख देगा, और वो मैं एक्सेस कैसे करूँगा, वो मैं एक्सेस करूँगा इस तरीके से, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ठीक है। अच्छा, अभी इस कंप्यूटर में जिसमें मैं ये कोड लिख रहा हूँ अभी, इसमें ये चीज़ मौजूद नहीं है। मेरे पास भी इन्वायरमेंट, अच्छा मैक में इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ पर होता है, अगर आप जाएंगे होम डायरेक्टरी में जाएंगे, होम की डायरेक्टरीज में आएगी कैसे, और पीछे जाऊँगा मैं इससे, ये मेरे होम की डायरेक्टरी है, राइट, ये होम की डायरेक्टरी है। तो इसके अंदर एक फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली तीन फाइलें होती हैं, बैश प्रोफाइल, अगर आप बैश यूज़ कर रहे हैं, असल में लिनक्स में और मैक में चक्कर ये होता है कि हर टर्मिनल का एनवायरनमेंट वेरिएबल अलग होता है। तो अभी मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है उसका नाम है ZSH, अगर आप देखें जब मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलता हूँ ना, तो ZSH लिखा हुआ आता है, ठीक है, ये ZSH इसका डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है इन दिनों, ठीक है। इससे पहले बैश हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने इसको चेंज किया है कुछ एक दो साल पहले, तो ZSH इसका डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है। अच्छा, ZSH के अलावा भी इसमें एक दो और भी टर्मिनल होते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, सेलेक्ट कैसे होता है डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आते हैं ना, सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, तो ये टर्मिनल्स इसमें मौजूद हैं, डैश है, KSH है, SH है, और पता नहीं कौन कौन सा है, ठीक है। लेकिन इसको आमतौर पर चेंज नहीं करते लोग, ZSH जो डिफ़ॉल्ट है उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे पहले बैश हुआ करता था ये जो ऊपर है, तो वेल, तो हर टर्मिनल का ना एनवायरनमेंट वेरिएबल इसमें अलग होता है। अच्छा, तो ZSH जो है उसके लिए क्या होगा, एक है ZSH प्रोफाइल, एक है ZSH हिस्ट्री, और एक है ZSH RC,
ये तीन तरह की फाइल्स होती हैं, ठीक है। विंडोज़ कंप्यूटर में जब आप एनवायरनमेंट वेरिएबल अगर कभी सेट करने का मौका मिला हो तो आपने ये देखा होगा कि जब आप सेट करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल तो आपको अपना जो समटाइम रीस्टार्ट करना पड़ता है, समटाइम अपना टर्मिनल खुला हुआ टर्मिनल बंद करके खोलना होता है दोबारा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये तीन बनाए हैं और इन तीनों की कन्फिग्रेशन अलग अलग है। वो क्या कन्फिग्रेशन है, अगर ZSH RC के अंदर मैं चेंजेस करता हूँ ना, मतलब मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल मैं यहाँ सेव करता हूँ, तो जो चलता हुआ टर्मिनल है उसको मैं बंद करके खोलूँगा तो फिर मुझे उसमें अवेलेबल मिलेगा वो, सही है। ZSH प्रोफाइल में अगर मैं अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल रखता हूँ तो मैंने मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ टर्मिनल बंद करने से काम नहीं चलेगा, मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को, शट डाउन नहीं, सिर्फ लॉग आउट, और लॉग आउट करके मैं दोबारा लॉग इन करूँगा तो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और तीसरा वाला कौन सा था, ZSH RC और ZSH प्रोफाइल, और तीसरा पता नहीं, तीन बता रहा था ना मैं थोड़ी देर पहले, नहीं हिस्ट्री, हिस्ट्री तो वो है कि जो जितनी भी कमांड्स मैंने लिखी है ना, जो एरो अप दबाते हैं तो वो आ रही होती है, वो इस हिस्ट्री की फाइल में सेव हो जाती है एक्चुअली, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको वेल यही दोनों ही आई थिंक, तीसरा शायद पता नहीं बना हुआ नहीं है या मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो इसमें ना ये वाला सीन होता है, ठीक है। अब इन ये दो अलग अलग इन्होंने क्यों रखे हैं, ये दो अलग अलग इन्होंने इसलिए रखे हैं कि ZSH RC में ना मैं अपने ज़्यादा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि जब भी मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ ना, इस फाइल को रीड किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ज़्यादा एनवायरनमेंट वेरिएबल रख दूँगा तो क्या होगा, मेरा जो ZSH ओपन होता है ना, उसके ओपन होने का टाइम या बूट टाइम उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, देर से ओपन होगा। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो चीज़ें रखी जाती हैं वो ZSH प्रोफाइल में रखी जाती हैं। ZSH प्रोफाइल कब एक दफ़ा रीड होगा, जब मैं कंप्यूटर अपना ऑन करूँगा ना, या मैं लॉग इन करूँगा जब, तो एक दफ़ा रीड करेगा, उसको सेव कर लेगा, दोबारा उसको रीड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो ZSH प्रोफाइल में चीज़ रखते हैं, RC में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते। अच्छा, ये चीज़ मैक में और लिनक्स में सेम है, उसमें लिनक्स में बिल्कुल सेम इसी तरह होता है कि एक RC होती है, एक प्रोफाइल होती है, ठीक है। अच्छा, ZSH प्रोफाइल में जो चीज़ मैंने सेव की है, अगर मैं बैश खोल लूँगा ना, उसमें मुझे वो नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ इसी में ही मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने पोर्ट के नाम से एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लिया कि इसमें ZSH प्रोफाइल में, तो फिर मुझे ZSH का टर्मिनल खोल के ही चलाऊँगा तो ये मिलेगा मुझे, कोई और टर्मिनल खोलूँगा फिर उसमें मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, विंडोज़ में ऐसा नहीं है, विंडोज़ में पूरे कंप्यूटर का जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो कॉमन है, चाहे आप पावर शेल से उसको एक्सेस करें, चाहे आप CMD से एक्सेस करें, ठीक है। विंडोज़ में असल में ये चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन नहीं है, काइंड ऑफ वो इसलिए स्ट्रीमलाइन नहीं है क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन नहीं है, पता नहीं उन्होंने क्या किया हुआ। और यही वजह है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल एक है, जब आप उसको CMD के ज़रिए एक्सेस करते हैं तो थोड़ा मुख्तलिफ तरह से एक्सेस होता है वो, उसी चीज़ को जब आप पावर शेल के थ्रू करते हैं तो वो बहुत सारी सिक्योरिटी लेयर्स हैं उसमें, वो आपको एक्सेस नहीं करने देता, ठीक है, रोक देता है, फिर आप उसको रन एज एडमिन करते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो डिज़ाइन लेवल पे हो चुकी हैं, अब वो उसका कोई हल नहीं है। अब वो एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था कि पहले CMD इनके पास होता था सिर्फ एक टर्मिनल, बाद में पावर शेल इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, और उसमें इनका ख्याल था कि हम जैसे मैक में होता है टर्मिनल, उस तरह का कुछ शायद करने जा रहे थे ये, लेकिन वो और मुश्किल हो गया और बहुत ही ज़्यादा वाहियात कर दिया उन्होंने। वेल, तो ये थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बताई कि एनवायरनमेंट वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे पोर्ट के नाम से कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं है। अच्छा, एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल मैं ओपन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कुछ सीक्रेट चीज़ें मौजूद है, इसलिए मैं ओपन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल जब आप अभी आगे चलेंगे ना, तो जितने भी क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके वो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव करते हैं क्योंकि वो सिक्योर होता है, ठीक है, वो लीक नहीं होता वहाँ से डेटा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास क्योंकि पोर्ट के नाम से कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं है तो मुझे इस जगह पे मिलेगा अनडिफाइंड, और ये और का जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, अगर मैंने ऐसे करके लिखा हुआ ना तो वो अगर इसमें कोई वैल्यू मिलेगी तो ये रिटर्न कर देगा, अदरवाइज उसके बाद वाली वैल्यू को देखेगा, अगर वहाँ कोई वैल्यू मिल गई तो उसके बाद वाली जो वैल्यू है उसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू है, तो हर हाल में वैल्यू मिल ही जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ मिलती है तो ये उठा लेगा, अदरवाइज ये उठा लेगा, ये इस स्टेटमेंट में मैंने बात लिखी है, ठीक है। अब ये क्लाउड पे जाने के लिए तैयार है मेरा कोड। अच्छा, अब ये क्लाउड पे जाएगा कैसे, इसको क्लाउड पे भेजने के कई तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है।
नंबर एक, बल्कि हम पहले तो देखते हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास एक क्लाउड प्रोवाइडर है साइक्लिक, ठीक है। तो ज़रा साइक्लिक की ना प्राइसिंग देख लेते हैं पहले कि इसकी प्राइसिंग क्या है। इसमें एक प्लान है फ्री फॉर एवर, हमेशा के लिए फ्री, ठीक है। इसमें $0 पर मंथ में आपको ये 3 एप्लीकेशंस देता है, ठीक है। आपकी ऐप स्लीप नहीं होती, ठीक है। स्लीप होने का मतलब, स्लीप तो खैर वैसे होती है, क्यों नहीं होती, आप एक्चुअली जब ऐप डिप्लॉय कर देते हैं तो आपको एक URL दे देता है वो, ठीक है। लेकिन उस URL पे अगर काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट ना आए तो आपकी ऐप क्या हो जाती है, स्लीप में चली जाती है, ठीक है। असल में बैकग्राउंड में इन्होंने कंटेनराइज्ड सिस्टम बनाए हुए होते हैं, तो आपका जो कंटेनर होता है जिसमें आपका सर्वर चल रहा होता है, वो कंटेनर को ये डाउन कर देते हैं, ठीक है। फिर कंटेनर को डाउन और अप करने का सिलसिला चलता रहता है इसी तरह। उससे होता ही है कि आपका वो कोड रन ही नहीं हो रहा होता, पीछे बंद हो जाता है रन होना। हाँ, लेकिन क्या होता है, जैसे ही अगली रिक्वेस्ट आती है वो जल्दी से उस कोड को दोबारा चला देता है। प्रोग्रामेटिकली पीछे npm स्टार्ट फ़ौरन करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उससे फिर होता ही है कि जब आप उसके स्लीप होने के बाद या उस कंटेनर के डाउन होने के बाद जब आप पहली रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा देर से रिस्पॉन्स आता है। यानी जहाँ पे 200 या 300 मिली सेकंड लगना चाहिए वहाँ पे पूरा 1 सेकंड लग जाता है, या समटाइम 3 या 4 सेकंड भी लग जाता है। अब सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट जो है वो फिर उसी तरह होती है जैसे नॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि ये नेवर स्लीप इन्होंने जो लिखा है, नेवर स्लीप इस हिसाब से है कि कुछ दूसरे प्रोवाइडर्स ने आवर की लिमिट लगाई हुई है कि पूरे महीने में आपको 700 आवर्स मिलेंगे, सही है। इस तरह की कोई लिमिट होती है। तो होता क्या है कि जब जितनी देर रिक्वेस्ट आती रहती है वो आवर काउंट करता रहता है, और अगर कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आती रहे तो महीने के आखिर में पहुंच के ना कुछ घंटे रह जाते हैं लेकिन वो आवर आपके ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। तो वो उतना टाइम वो स्लीप में फिर जा रहा होता है। तो शायद ये इन्होंने वो चीज़ ख़त्म की है, या मे बी ये बिल्कुल ही स्लीप ना करते हो, मैंने ये चीज़ अभी तक नोट नहीं किया। आवरली कोई लिमिट नहीं है इनकी, दोबारा इन्होंने ये बात मेंशन की है। कंप्यूटिंग पावर आपको ये देते हैं 1024 MB रैम, यानी 1 GB रैम आपको ये दे रहे होते हैं, ठीक है। हरिको जो था वो 512 MB रैम देता था जो इससे पहले यूज़ करते थे। हरिको ने अपना फ्री टेयर एक्चुअली ख़त्म कर दिया है, अभी तक तो नहीं किया लेकिन अब बहुत जल्दी वो करने वाला है ख़त्म उसको, यानी अनाउंस कर दिया था उन्होंने 2-3 महीने पहले ही। अच्छा, ऑटो स्केलिंग जो है वो 10 × 1024 MB, अगर आपके पास अचानक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है तो ये 10 GB तक रैम भी आपको दे सकता है, ठीक है। API रिक्वेस्ट 1 लाख रिक्वेस्ट पर मंथ आपको मिलेगी फ्री में। 1 लाख रिक्वेस्ट पूरी होने के बाद ये रोक देगा आपको, उसके बाद फिर आपसे पैसे मांगेगा। लैंग्वेज JavaScript है, TypeScript है, Python है, हम तो JavaScript में कर रहे हैं। जो आपका एक्सप्रेस का सर्वर है ये JavaScript है। रिपॉजिटरीज, पर्सनल रिपॉजिटरीज सपोर्ट करता है, ये GitHub की रिपॉजिटरी की बात हो रही है, राइट। और डेटाबेस आपको 1 GB का DynamoDB प्रोवाइड करता है, हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम MongoDB Atlas यूज़ करेंगे एज अ डेटाबेस, जो एक दूसरा प्रोवाइडर है जो हमें 500 MB का फ्री डेटाबेस देता है। लेकिन इसने ये लिखा हुआ है कि भाई हम ये चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें ये दे रहा है आपको, ठीक है जी। तो एक ये प्रोवाइडर है हमारे पास जो फ्री फॉर एवर का एक प्लान दे रहा है। एक प्रोवाइडर और है हमारे पास जिसका नाम है railway.app, ठीक है। railway.app की ज़रा हम प्राइसिंग देख लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग का क्या सीन है। अच्छा, ये आपको देता है 512 MB की रैम, ठीक है। अच्छा, इसने ये नहीं बताया कि कितनी ऐप्स इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि 3 ऐप डिप्लॉय हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, 1 GB का डिस्क स्पेस देता है आपको और $5 या 500 आवर ऑफ यूजेज ये आपको देता है। अच्छा, इन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया कि ये $5 पर मंथ ये देते हैं या एक ही दफ़ा $5 देंगे वो ख़त्म हो गया तो ख़त्म, ठीक है। मतलब 500 आवर तो एक महीने से भी कम टाइम होता है। अभी हम ज़रा गूगल करते हैं हाउ मैनी आवर्स इन अ मंथ, ठीक है। 730 आवर्स होते हैं एक महीने में, तो ये कह रहे हैं कि हम 500 आवर देते हैं, इसका मतलब है एक महीने से भी कम का ये हमें फ्री ट्रेल दे रहे हैं। अगर कंटिन्यूसली मेरी ऐप चलती रहे तो 500 घंटे वो एक महीने में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और
यूजेज एस्टिमेशंस वगैरह कुछ इन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा, मैं पहले दोनों पे ही डिप्लॉय करने की वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि किस वाले पे डिप्लॉय करना बेहतर है। ठीक है, अच्छा एक लिमिट है लेकिन साइक्लिक के अंदर, वो साइक्लिक के अंदर लिमिट ये है कि आपको गिटहब से लॉगिन करना पड़ता है। गिटहब से लॉगिन करने की वजह से होता ये है कि वंस आप ये तीन ऐप पूरी कर लेते हैं ना, तो आपके पास मजीद ऑप्शन नहीं होता कि आप कोई दूसरा अकाउंट बना लें। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा अकाउंट बनाते हैं तो वो से क्योंकि गिटहब तो आपको पता है उसको, तो आपको गिटहब भी नया बनाना पड़ता है उसके ऊपर कोई भी चीज़ डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो इससे होता ही है कि तीन ऐप पे फिर आप रुक जाते हैं, चौथी ऐप नहीं बना सकते हो। यानी साइक्लिक में लास्ट टाइम जहाँ तक हमने देखा था उसमें यह था कि आप अपनी ईमेल से अगर लॉगिन हो भी जाते हैं उसमें, तो वो बोलता है कि अपने गिटहब का मुझे नाम बताओ, और गिटहब इसरार करता है इस बात पे कि मुझे कोड गिटहब की रिपॉजिटरी में डाल के दो। ठीक है, तो वंस आपकी रिपॉजिटरी कनेक्ट हो जाती है उसके साथ, तो फिर वो आपको जो है ना तीन ऐप उस रिपॉजिटरी से लेता है वो, और उसके बाद वो बोलता है कि बस ठीक हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम जो छोटे छोटे टास्क बनाएंगे अगर हम वो डिप्लॉय करके छोड़ देते हैं, मतलब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं जो छोटी छोटी ऐप्स बना रहा हूँ उसका जो सर्वर है वो लाइव हो और वो कहीं ना कहीं चल रहा हो और फ्री फॉर एवर वाले प्लान पर हो, ताकि कभी भी खुदा ना खास्ता कोई आपकी रिपॉजिटरी खोलता है और क्लिक करता है आपकी ऐप पे, तो वो आपका सर्वर रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो, भले 2-3 सेकंड या 4 सेकंड ले ले शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली वो चले। तो शायद साइक्लिक उसके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता था, मगर साइक्लिक आपको तीन ऐप के ऊपर रोक देता है। ठीक है, रेलवे ऑन अदर हैंड जो है आपको ये लिमिट नहीं लगाता आपको कि कितनी ऐप्स आप इस पे चलाएं, लेकिन ये $5 आपको दे देता है फ्री में। मैं मजीद देखना चाह रहा हूँ कि क्या हर महीने ये $5 देगा मुझे। अच्छा, $5 ऑफ मंथली यूजेज, ठीक है, हर महीने $5 आपको ये देगा। तो इस पॉइंट पे आके, क्योंकि ज़ाहिर है महीना ख़त्म होने के बाद रीसेट हो जाएगा ये। अच्छा, मेरी ऐप कंटिन्यूसली 500 आवर तक नहीं चलेगी, ये भी मुझे बात पता है। इन दिस क्लास ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन वाली ऐप की बात नहीं कर रहा, जाहिर है वो तो कंटिन्यूस चलेगी। तो इस क्लास में जब जो डेमो बनाएंगे वो या तो आप यूज़ करेंगे या तो मैं उसको चेक करूँगा, या तो अगर कोई आपकी रिपॉजिटरी पे आता है कहीं से उड़ता हो तो वो यूज़ करेगा उसको, अदरवाइज वो ऐप आपकी थोड़ी देर तक यूज़ नहीं होगी, उसका कंटेनर डाउन हो जाएगा और वो चल रही नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है रेलवे स्टैंड आउट हो जाता है फिर इसमें। अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ना आज की जो ऐप है वो रेलवे पर डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, रेलवे वाले पर लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, लॉगिन करते ही इसने मुझसे बोला कि भाई आप अपनी ईमेल बता दो, ये मैंने ईमेल बता दी। मैंने कहा ईमेल करो, ठीक है। कह रहे मेल भेज दिए, चेक कर लो मेल जाके, आ जाओ भी चेक करते हैं मेल। ये इसने मेल भेजी है, खुल गया भाई। ठीक है जी, लॉग इन टू रेलवे। ठीक है, यू आर लॉग्ड इन टू रेलवे, यू कैन क्लोज दिस विंडो। क्या मतलब है ये? अच्छा, ये कैसा लॉग इन हुआ यार, दोबारा लॉग इन दबाऊंगा मैं तो। जी पता नहीं क्या हुआ, दोबारा लॉग इन दबाता हूँ। अच्छा ठीक है, ईमेल भेज दिया इसने, ओके दोबारा ईमेल आई है। अच्छा ये मैंने कर दिया। अच्छा अब ये कह रहा है ये टैब मैं बंद कर दूँ, जो अभी खुला है बंद कर दिया, और वापस मैं रेलवे पे जाऊँ तो ये लॉगिन हो चुका है। ओके ओके, अच्छा वो मैंने एक्चुअली ये वाला भी बंद कर दिया मैं। ठीक है जी, अच्छा तो ये जब मैं लॉगिन हुआ हूँ तो मुझे, क्योंकि मेरा ये पुराना अकाउंट बना हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि अनवेरीफाइड है और $2 है, इस तरह का कुछ दिखा रहा है। फ्री रिसोर्सेज जो अवेलेबल है मेरे पास वो $2 बचे हुए हैं, यानी कि 200 आवर मेरे पास बचे हुए हैं। Unverified starter plan only get $2 in resource credits one time only. Verify your account to get limit increased to $5 and execution hour monthly. अच्छा, verify कैसे होगा account भाई साहब?
to verify your free plan, deploy, increase available resource, this. अच्छा, to begin with, accept the term and condition accept कर लेते हैं. Please scroll through. हो गया भाई, accept हो गया. और ठीक है जी, और ओके. अब ये मुझसे कह रहा है कि आप जो है या तो क्रेडिट कार्ड का अपना नंबर बता दें. ये असल में ये जानना चाह रहा है कि मैं असली यूज़र हूँ या नहीं. कह रहा है या तो मुझे गिटहब के ज़रिए वेरीफाई कर दो, तो मैं कहता हूँ गिटहब के ज़रिए वेरीफाई कर दो. ठीक है जी. गिटहब अकाउंट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू रेलवे अकाउंट. अच्छा सही. असल में मेरा जो गिटहब बना हुआ है वो मेरी इस ईमेल पे नहीं है, वो मेरी दूसरी ईमेल पे. तो मेरा ख्याल है मैं इस वाले को लॉग आउट करके दूसरा अकाउंट अपना लॉगिन करता हूँ, वो वेरीफाइड होगा क्योंकि उसमें गिटहब कनेक्टेड है मेरा. अच्छा, लेकिन जस्ट इन केस चलो हम इस तरह ऐसे करके देख लेते हैं कि मेरा गिटहब अगर वेरीफाई नहीं है तो क्या होता है. मुझे ये डिप्लॉय करने दे रहा है स्टिल, कोई भी चीज़ डिप्लॉय करने मुझे दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो ये मेरा एक अनवेरीफाइड ईमेल है जिस पर इस दफ़ा मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ. मैंने कहा न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद अच्छा डिप्लॉय फ्रॉम गिटहब रेपो मैं इसमें नहीं कर सकता, वो मेरी जो पहले वाली रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें इसी से किया था मैंने. बट इनका कोई ना कोई CLI टूल भी होगा जिसके ज़रिए मैं डिप्लॉय कर पाऊँ. तो मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ इस दफ़ा, और इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि इनके CLI टूल से उसमें डिप्लॉय करूँ मैं चीज़. अच्छा ठीक है जी. रेलवे ऐप CLI में अलग से देख लेता हूँ. अच्छा जी, ये रेलवे ऐप की CLI है. मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ npm install -g @railway/CLI. इस तरह करके मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ. ठीक है जी, तो आते हैं इसको मैं अच्छा ये जो कमांड है ये मैं कहीं पे भी टर्मिनल खोल के ये कमांड रन कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये -g करके इंस्टॉल कर रहा है, npm से इंस्टॉल हो रहा है, एक CLI टूल है. CLI टूल क्या होता है, जो कमांड लाइन पे चलता है उसको हम CLI टूल कहते हैं. ठीक है, अच्छा -g करके है तो इसके साथ मुझे sudo भी लगाना पड़ेगा, यानी इसको एज अ सुपर यूज़र मैं इस कमांड को रन कर रहा हूँ, अदरवाइज ये परमिशन का मुझे एरर दे देगा. ठीक है, तो लिनक्स पे और मैक में कोई भी कमांड आपको एज अ सुपर यूज़र अगर चलानी होती है तो आप शुरू में उसके sudo लगा देते हैं. तो विंडोज़ में ये चीज़ ऐसे होती है कि आप CMD को रन एज एडमिन करते हैं शुरू में ही. ठीक है ओके, तो ये मैंने इंस्टॉल कर ली एक कमांड अपने पास, और इसको मैं बंद कर देता हूँ. अब बंद करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे जाहिर है जिस फोल्डर में जाके जिस फोल्डर को मुझे भेजना है रेलवे पे, वहाँ पे जाके मैं इसकी कमांड अब चलाना शुरू करता हूँ. तो मुझे क्या चलाना है, रेलवे लॉगिन चलाना है पहले, तो जिससे मैं क्या हो जाऊँ, लॉगिन हो जाऊँ. तो ये काइंड ऑफ फायरबेस जो होस्टिंग है उसकी तरह कुछ चल रहा है. तो मैंने कहा भाई रेलवे लॉगिन देखते हैं क्या होता है. प्लीज़ एंटर टू ओपन द ब्राउज़र. ठीक है जी, ब्राउज़र ओपन हो गया. अच्छा सक्सेसफुली लॉगिन, गुड यार. ये भाई रेलवे का जो मेरा CLI था ये लॉगिन हो गया, कह रहा है इस पेज को भी बंद कर दो आप. अच्छा अब क्या करना है जी, अब ये करना है के योर प्रोजेक्ट, यू कैन यूज़ प्रोजेक्ट टोकन ऑथेंटिकेट इन एनवायरनमेंट एज प्रिवेंट योर ऑथेंटिकेशन ब्राउजर CI. रेलवे टोकन इक्वल्स टू दिस और रेलवे रन. अच्छा, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे रेलवे इनिट चलाना होगा. ठीक है, रेलवे इनिट चला के देखते हैं. रेलवे इनिट चलाया मैंने. अच्छा यहाँ पे मुझे ये दो ऑप्शन दे रहा है कि मैं या तो एम्प्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूँ या तो स्टार्टर टेम्पलेट कर लूँ. तो मैंने कहा यार एम्प्टी प्रोजेक्ट कर लेते हैं. प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है, मैंने कहा कि भाई हेलो एक्सप्रेस रख देना है इसका नाम.
ये क्या हुआ? ओके गॉट इट। इसने असल में क्या किया है, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ पे बना दिया। तो एक मैंने यहाँ डैशबोर्ड से बनाया था, एक वहाँ से जाके बन गया, तो दो एम्प्टी प्रोजेक्ट हो गए मेरे पास। अच्छा, तो हेलो एक्सप्रेस के अंदर मैं खड़ा हुआ था, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ हेलो एक्सप्रेस के अंदर। ऐड अ सर्विस के बाद मैंने क्या करना है, वेल अभी इसको छोड़ते हैं, सारा काम कोशिश करते हैं हम CLI से करें। तो CLI में आगे क्या बता रहे हैं, CLI में ये आगे बता रहे हैं डिप्लॉय करना ही बता रहे हैं, डिप्लॉय करना यहां बता रहे हैं। रेलवे अप की मुझे शायद कमांड चलानी है इसको रन करने के लिए। तो क्या मैं इस फोल्डर में मौजूद हूँ, सही फोल्डर में? नहीं, मुझे करना पड़ेगा CD5 और टैब, उसके बाद CD2 और टैब, ठीक है। तो इस ये टू के फोल्डर के अंदर पैकेज डॉट जेसन बना हुआ है, इसमें npm की कमांड वगैरह सारी लिखी हुई है, ये कल वाला ही प्रोजेक्ट है। तो इसमें मैं कहूँगा रेलवे अप, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेइंग ट्रैक ऑन द क्लाउड, ओ ये क्या हुआ? अच्छा, मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैंने जो चेंजेस थी ना वो मैंने कर दी है दूसरे में, गलत कर दिए मैंने, इसमें कर दिए। हालांकि मैंने चेंजेस कहाँ करनी थी, जो मैंने अभी नया फोल्डर बनाया उसमें करनी थी, ये चेंजेस मैंने गलत जगह पे कर दी है। तो मैं इस नए वाले में आके ना इस चेंजेस को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सही है, ये कह रहा है कि योर अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड। तो इसका मतलब है कि अकाउंट को वेरीफाई करना कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसके बगैर ये मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं करने दे रहा। तो मैं फाइनली अब क्या करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट अगर आप वेरीफाई करते हैं जब ही आप CLI के ज़रिए डिप्लॉय कर पाएंगे, अदरवाइज आप CLI के ज़रिए डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर अकाउंट आपका वेरीफाई है तो फिर आप GitHub से डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम इसको लॉग आउट करते हैं इस वाले अकाउंट को, और मैं लॉग इन विद गिटहब करता हूँ इस बार, ताकि लॉग इन विद गिटहब करने से क्या होगा कि वो वेरीफाई वाला अकाउंट जो है मेरा, जो एक दूसरी ईमेल से कनेक्ट है मेरा, वो खुलेगा डायरेक्ट। तो उसमें लॉगिंग इन वाया गिटहब, गो होम, ये क्या हुआ? Logging you in via GitHub dashboard। अच्छा, ये मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स इसमें बने हुए हैं, और यहाँ पे एक बात और भी लिखी हुई आ रही है कि जो स्टार्टर प्लान है वो मेरा मैक्स आउट हो चुका है ऑलरेडी। ये क्या चक्कर है भाई? ये वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ था कि हर महीने ये रीन्यू हो जाएगा। मैं ये दोनों ऐप ज़रा डिलीट कर देता हूँ, ये जो दो ऐप बनी हुई है मेरे पास, इन दोनों ऐप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मे बी ये दोनों ऐप जब मैं डिलीट कर दूँ तो उसके बाद ये मुझे ना करने दे दूँ। अच्छा, मैंने दोनों डिलीट कर दिए, रिमूव रिसोर्स लिमिट्स। अच्छा, मैं रिमूव रिसोर्स लिमिट पे करता हूँ तो मुझे ये पैसे मांग रहा है मुझसे ये, ठीक है। मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है यू हैव यूज्ड ऑल योर अवेलेबल रिसोर्सेज दिस मंथ, क्योंकि मैंने कुछ अरसे पहले ही डिप्लॉय किया था, तो ये मुझे मना कर दे रहा है, नहीं करने दे रहा डिप्लॉय, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेलवे बेटर ऑप्शन है शायद एज अ स्टूडेंट आपके लिए, लेकिन रेलवे में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब मैंने फॉर टीचिंग पर्पसेस
इसमें शायद एक या दो ऐप्स डिप्लॉय की थी, और अभी जब मैंने उसको दोबारा खोला कुछ ही दिनों के बाद, तो ये मुझे कुछ भी करने नहीं दे रहा, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ठीक है, तो रेलवे इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, यहाँ पे हमने ये देखा। अब हम आ जाते हैं साइक्लिंग पे। अब देखते हैं कि साइक्लिंग पे भी मैंने उतने ही प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय किए हैं जितने मैंने रेलवे पे किए थे, तो अब देखते हैं कि ये क्या मुझे बताता है। तो मैं साइन इन का बटन दबाता हूँ और कोशिश करता हूँ इसको मैं साइन इन करने की। अच्छा, इसमें तो गिटहब के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं लॉगिन करने का। ठीक है, ये कहता है सिर्फ और सिर्फ गिटहब से आप लॉगिन कर सकते हैं, तो मैं मजबूरन इसको कनेक्ट विद गिटहब का बटन दबा के और आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास जो है वो लॉगिन हो चुका है गिटहब से ये, और साइक्लिक में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐप्स पहले से चल रही हैं। सही है, अब ये पता नहीं कैसे, लेकिन 6 ऐप्स चल रही हैं भाई पहले से इसमें। अलाउ तो 3 करता है, लेकिन मैंने पता नहीं डिप्लॉय किया था, उसने मुझे मना नहीं किया, उसने बोला जाने दो, तो मैंने कहा सही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो आ रहा है कि यूजेज क्रेडिट $0, इस तरह की कोई बात यहाँ लिखी हुई आ रही है। ठीक है, फ्यूचर बिलिंग क्रेडिट $10, पता नहीं क्या, ये नहीं पता क्या। ऐप ऑन टॉप ऑफ प्लान +1, ये लिख कर रख लिया, कभी आप पैसे वाले में $10 काटे। ये क्या लिख के रख लो, क्या ये बोल रहे ना, फ्यूचर बिलिंग मतलब फ्यूचर में कभी आपसे बिल नहीं, ये फ्यूचर मतलब मेरे $10 बन चुके हैं, ये कह रहा है ये। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, और मंथली API इन्वोकेशन और एफ लास्ट कोड पर ऐप सोलो ग्रो। सही है, फ्री फॉर एवर वाले प्लान पर मैं हूँ और मुझे ये सब कुछ मिला हुआ है, ये सब ये बता रहा है, और क्रेडिट मेरा $0 है। तो मैं जाता हूँ भाई अब डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जाके इसको मैं एक और ऐप डिप्लॉय करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे जाएगा ये डैशबोर्ड पर। तो अकाउंट पे, अच्छा यहाँ लोगों पे क्लिक करना पड़ेगा। सही है, और मैंने डिप्लॉय का बटन दबाया। अच्छा, जब मैं डिप्लॉय का बटन दबाता हूँ तो ये मुझे बताता है कि यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इन योर प्लान, तो इसका मतलब है मुझे एक या दो ऐप इसमें से डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले से शुरू करता हूँ, ये वाले से, लास्ट वाले से शुरू करता हूँ। ठीक है, एक एक करके हम इस ऐप को डिलीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, डिलीट, क्या लिखा हुआ था, स्टार्टर डैश एक्सप्रेस डैश API। अच्छा, एक काम और भी करता हूँ मैं, ज़रा इसको मैं हिट करके तो देखूँ ये सर्वर चल भी रहे या ऐसे ठंडे पड़े हैं, ये भी ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं चेक भी इसको यहाँ से नहीं करता, मैं उसको पोस्टमैन खोल के इससे हिट करता हूँ। पोस्टमैन आप लोगों को पता नहीं होगा अभी कि कौन सा टूल होता है, लेकिन पोस्टमैन क्या होता है, API को टेस्ट करने का एक टूल होता है। इससे कॉल करने का मकसद ये है मेरा कि ये पहली दफ़ा रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगता है वो मुझे एग्जैक्टली ये बताएगा। इस वजह से मैं इसको यहाँ से हिट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके URL मेरा पेस्ट किया और यहाँ से रिक्वेस्ट गेट की रिक्वेस्ट की, डिसमिस। ये गेट की रिक्वेस्ट है, ब्राउजर पे जब भी कोई URL लिखते हैं तो एक्चुअली वो गेट की रिक्वेस्ट बनाता है, राइट। और मैंने यहाँ पे ये URL लिखा और मैंने सेंड का बटन दबाया, तो इस URL पे मैंने गेट की एक रिक्वेस्ट मारी है। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स मेरे पास जब आता है, क्या कह रहे हैं, इंक्लूड HTTPS ओनली credential विद एवरी रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब ये वहाँ से जाके 401 की रिक्वेस्ट लाया है। ये मैंने कौन सा वाला हिट किया था, ये मैंने हिट किया था वो ई कॉमर्स क्रड जो हमने इसी क्लास में बनाया था, गलबन इसी क्लास में बनाया ना, नहीं इस क्लास में नहीं बनाया हमने, इसमें JWT की ऑथेंटिकेशन एक्चुअली लगी हुई है। तो वहाँ से ये 401 का रिस्पॉन्स ला रहा है, और पहली दफ़ा में रिस्पॉन्स कितनी देर में लाया है, ये 3 सेकेंड में लाया है, पूरे 3 सेकेंड। ठीक है, सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट जो है इसकी वो उसमें कम टाइम लगना चाहिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 3 सेकंड इज़ वे मोर टाइम
कि किसी सर्वर से रिस्पॉन्स टाइम बहुत गंदा है ये। दोबारा सेंड का बटन दबाता हूँ मैं तो आप देखें 300 मिलीसेकंड आया है, अब बेहतर है ये, ठीक है 200 होना चाहिए उसको, लेकिन 300 भी सही है, ठीक है। तो अब मैं इसको कंटिन्यूसली हिट करूँगा जब, तो आप देखें ऑन एवरेज 200 से 300 के दरमियान ये दे रहा है मुझे, ठीक है समटाइम 176 179 भी दे रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब चल रही है वो ऐप्स, बंद नहीं है ये वाली जो ऐप है, ये चल रही है, ये बंद नहीं है। तो अब मैं इसको आके क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। अब मैं जिस जिसको डिलीट करता जाऊँगा, अच्छा एक मैंने डिलीट कर तो ली थी, देखते हैं बना के अब नहीं आए, एक डिलीट अच्छा नहीं, अभी भी मुझे कह रहे हैं कि आउट ऑफ कवरेज, सही है तो एक और डिलीट करते हैं। पता नहीं गलती से इसने मुझे बनवा दी इतनी सारी ऐप्स बनवाना नहीं था इसको, पता नहीं क्या सीन है, नहीं हर महीने की 3 थोड़ी दे रहे हैं वो, असल में कुछ मैंने किया था वो कोई ग्लिच हो गया इनका, इसलिए वो ज़्यादा ऐप बन गई है। मुझे भी लगा ही था जब ये बन रही थी ना, तो मुझे भी लगा था ये ग्लिच की वजह से हुआ है, ठीक है जी। अब डिप्लॉय का बटन दबाते हैं, अभी भी लिमिट बता रहे हैं। अच्छा तो अब ये एयर वाले को करते हैं, ये URL है मेरा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस URL को कॉपी करके इधर लगा के भेज के देखता हूँ रिक्वेस्ट। पहली दफ़ा में ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तकरीबन इसने 7.81 सेकंड लिया है और रिस्पॉन्स आया 500 के, सर्वर पे ही कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है एप्लीकेशन फेल्ड टू स्टार्ट, दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर क्या भेजता है ये। ये एप्लीकेशन बंद है, ये वाली जो एप्लीकेशन है राइट, 2 से 3 बार रिक्वेस्ट भेजने के बावजूद भी ये मुझे एरर दे रहा है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी अब मेरे पास बस ये 3 है, अब डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, एक नई है अभी भी बोल रहा है कि आप एक्सीड कर रहे हो, मतलब इतनी सारी मुझे एक्स्ट्रा ऐप बनवा दी इसने, कह रहा था यार। सही है ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये चल रही है, इसने पहली दफा में 2.5 सेकंड इसने लिया है, ठीक है दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ इस पर, अब 600 लिया इसने, अब 600 पे ही फिक्स हो गया है, ठीक है 500 600 700 तक ये मिली सेकेंड ले रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो मिली सेकेंड 500 है ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस सिंपल रिक्वेस्ट, ये मोस्ट प्रॉब्ली किसी गलत रीजन में डिप्लॉय हुआ है या किसी दूर के रीजन में डिप्लॉय हुआ है, जब इस तरह से हो रहा है। रीजन्स को हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम फायरबेस का डेटाबेस बना रहे थे, उस वक्त हमने डिस्कस किया था क्योंकि वो रीजन पूछता है, तो मैंने ये बताया था कि रीजन आपका करीब तरीन होना चाहिए किससे, आपके यूज़र से, जो यूज़र इस सर्वर को डायरेक्टली हिट कर रहा है उससे करीब तरीन होगा अगर आपका रीजन, तो वो फास्ट कम्युनिकेशन होगी। ठीक है जी तो इसको भी हम एक और को डिलीट करके अब जगह बना रहे हैं इसमें। अब मेरे पास रह गई हैं 2 ऐप्स इसमें, अब मैं एक नई ऐप डिप्लॉय करता हूँ, अब होपफुली ये मुझे करने देगा क्योंकि 3 ऐप इसकी लिमिट है, ठीक है अब मुझे ये करने दे रहा है। अच्छा अब मुझे ये जब डिप्लॉय करने के लिए बता रहा है, तो एक तो इसमें ऑप्शन है कि भाई आप रिपॉजिटरी का यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो और वो हो जाएगा, बट इस बार हम कोशिश करते हैं कि CLI के ज़रिए हम क्या डिप्लॉय कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये वाले लिंक से डिप्लॉय तो मैं पहले कर चुका हूँ, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है और वो आप सब लोगों ने देख भी लिए, लेकिन इस बार हम कोशिश करते हैं कि क्या हम इसको CLI के ज़रिए डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाके अलग से सर्च करता हूँ साइक्लिक
CLI, ठीक है, साइक्लिक CLI मौजूद तो है, लेकिन इसमें मुझे डिप्लॉय करने की जो कमांड है ना वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। रन लोकली और पब्लिश, ठीक है। तो ये पब्लिश जो ये भी कर रहा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली गिटहब के जरिए ही कर रहा है। तो हमने क्या सीखा इससे कि साइक्लिक में डिप्लॉय करने का वन एंड ओनली तरीका है गिटहब की रिपॉजिटरी, और कोई तरीका साइक्लिक हमें प्रोवाइड नहीं करता। ये CLI टूल हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस CLI टूल में भी इसको मतलब इनिट ऐप वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट की बात आ रही है ना तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपको गिटहब के एक्शन लिख कर दे रहा है, ठीक है। रन लोकली तो भाई हम NPM स्टार्ट से भी कर ही रहे ना, हमें उसके लिए इसकी क्या ज़रूरत है। तो जब हम पब्लिश करने की जब बात आती है तो वो कह रहा है कि आप क्या करोगे, गिटहब का एक्शन लिख लोगे, उससे होगा। गिटहब का एक्शन क्या होता है कि आप जब भी गिटहब में कोई कोड पुश करते हैं तो एक स्क्रिप्ट होती है जो कि चलती है, और वो स्क्रिप्ट क्या करती है, कोई भी छोटा मोटा इस तरह का काम कर सकती है कि उस कोड को पूरे को उठा के डिप्लॉय कर दो या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं सब ने अपने अपने गिटहब एक्शन की स्क्रिप्ट पब्लिक की हुई है, बना कर दी हुई है, वो आप जस्ट वो स्क्रिप्ट पेस्ट करते हो और वो चलता है आपका कोड, ठीक है। नेटलीफाई तो आपको नॉट जेएस के सर्वर अलाउ नहीं करता ना, करता है क्या? नेटलीफाई में ना दो चीज़ें चलती हैं, दो चीज़ें उसके अंदर हैं। नंबर एक नेटलीफाई फंक्शंस है। नेटलीफाई फंक्शन जो है वो काइंड ऑफ एक फायर बेस फंक्शन की तरह चलता है वो, ठीक है। उसका सिंटैक्स बिल्कुल अलग है। इस नॉट जेएस के सर्वर को एज इट इज़ जैसा अभी ये है इस तरह से आप नेटलीफाई फंक्शंस पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। नेटलीफाई फंक्शंस पे अगर डिप्लॉय करना है तो उसके लिए एक छोटा सा अलग से टूल होता है, एक लाइब्रेरी होती है, उसको आपको इन्वॉल्व करना होता है बीच में, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कि ये जो सर्वर है ना एक्सप्रेस का, ये एज इट इज़ किसी भी नॉट जेएस की होस्टिंग पे जा सकता है, जैसे कि साइक्लिक या रेलवे या हरिको या गूगल क्लाउड ऐप इंजन। लेकिन वंस आप वो वाला कोड कर देते हैं ना जो नेटलीफाई फंक्शंस वाला है, वो सिर्फ नेटलीफाई फंक्शन पे ही चलता है। और अगर आपको खुदा ना खास्ता फिर कहीं और जाना पड़े तो पूरा कोड फिर आपको दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ता है, ऐसा बनाना पड़ता है उसको जैसे ही अभी है, ठीक है। तो इस वजह से नेटलीफाई फंक्शंस को थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि अच्छा यार नेटलीफाई फंक्शन पे भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और काफ़ी सस्ता उसको बताया जा रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि आपका कॉन्सेप्ट हिल जाएगा अगर इस बुनियादी पॉइंट है भी आपका, अगर इस पॉइंट पे मैं वो चीज़ें डिस्कस करने लगूँ नेटलीफाई फंक्शन में जो लोग कर रहे हैं, तो आपका जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब ना हो गया, ठीक है। इस डर की वजह से मैं नेटलीफाई फंक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसको नेटलीफाई फंक्शन पर डिप्लॉय किया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ अ लाइब्रेरी, एज इट इज़ डिप्लॉय नहीं होगा ये जिस तरह यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई आप गिटहब की रिपॉजिटरी के बगैर इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हमने जाके गिटहब की एक रिपॉजिटरी बनानी है, ठीक है। तो चलते हैं जी, गिटहब की एक रिपॉजिटरी बनाते हैं। github.com के अकाउंट में मैं जा चुका हूँ अपने, और मैं रिपॉजिटरीज में गया अच्छा, और मैंने यहाँ पे न्यू रिपॉजिटरी बनाई, इसका मैं नाम क्या रखने जा रहा हूँ, माई फर्स्ट एक्सप्रेस सर्वर ऑन क्लाउड, राइट। ये मैंने एक नाम लिखा है, और इस नाम से मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक रिपॉजिटरी बनाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, दिस रेपो वाज क्रिएटेड एज डेमो इन अ क्लास, ठीक है, ताकि कोई भी इसको खोले तो उसको पता चले कि ये किसी क्लास में एज अ डेमो बनाया गया। मुझे ये रिपॉजिटरी का लिंक मिल गया, इस रिपॉजिटरी को मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर में क्लोन करके ले आऊँगा, राइट। कॉपी किया मैंने इसका लिंक, कॉपी करने के बाद मैं कहाँ, ये पोस्टमैन वगैरह बंद कर देता हूँ। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैं कहाँ पर आ गया, मैं डेस्कटॉप पे आ गया, CD डेस्कटॉप, राइट, क्लियर
क्लियर से क्या होता है, स्क्रीन मेरी क्लियर हो जाती है टर्मिनल की। तो मैं इस वक्त टर्मिनल में कहाँ पर आ चुका हूँ, डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या कमांड लिखूंगा, गेट क्लोन, और वो URL पेस्ट कर दूंगा जिस रिपोजिटरी का जो अभी अभी मैंने बनाई है, और एंटर करूंगा। तो इससे क्या होगी, जो अभी अभी मैंने रिपोजिटरी बनाई है वो क्लोन होके मेरे इस कंप्यूटर में आ जाएगी। और वो क्लोन होके कहाँ पर आई है, ये है वो रिपोजिटरी जो अभी अभी क्लोन की है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने तमाम का तमाम जो कोड है मेरे सर्वर का वो मैंने इसमें पेस्ट करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ। इस फोल्डर के अंदर क्या, मैं सी डी माई माई डैश एफ आई टैब, ठीक है, मैं टैब दबा के इसको ऑटो कम्प्लीट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, तो क्या हुआ कि ये वाला जो मेरा ये वाली जो रिपोजिटरी थी मेरी वो कहाँ पे ओपन हो गई, वी एस कोड में वो ओपन हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी कोड लिख के बैठा हुआ था ना, ये पूरा का पूरा जो फोल्डर है, ये जो ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ था, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट करूँगा, राइट। ये मैंने यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, यहाँ ला के जब मैंने पेस्ट किया तो वही सर्वर डॉट एम जी एस की फाइल है, वही पैकेज डॉट जेसन है, वही गिट इग्नोर है, और वही नॉड मॉड्यूल है। ये टोटल मेरी चार फाइल है जो मेरे हेलो वर्ल्ड का एक्सप्रेस का सर्वर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस कोड को वापस गिटहब की उस रिपोजिटरी में भेजना है जहाँ से मैंने इसको क्लोन किया था। उसके लिए क्या तरीका है मेरे पास, उसके लिए तरीका ये है, गिट ऐड डॉट, जिससे तमाम की तमाम ये जो फाइलें हैं ये गिट में ऐड हो जाएंगी, सिवाय नॉड मॉड्यूल के, क्योंकि नॉड मॉड्यूल को मैं गिटहब डॉट कॉम पर नहीं भेज रहा हूँ। गिट इग्नोर में मैंने उसका नाम रखा हुआ है स्पेशली कि भाई इस फोल्डर को गिटहब डॉट कॉम पर नहीं भेजना है, ठीक है। तो सिर्फ ये नॉड मॉड्यूल नहीं जाएगा, बाकी सब चला जाएगा, ठीक है। कल को जो कोई भी इसको क्लोन करेगा तो वो नॉट मॉड्यूल को वापस कैसे लाएगा ये हम जानते हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल करेगा, जैसे अगर मैं इसको फौरी तौर पे अभी डिलीट कर दूँ, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो उसको वापस कैसे लाया जा सकता है, npm इंस्टॉल, या जस्ट आई npm i भी लिख दूँ तो भी एक ही बात है, तो उससे ये वापस आ जाता है। कैसे ये वापस आता है, इस सॉफ्टवेयर में, इस नॉट जेएस के पैकेज में जितनी भी लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही हैं उनकी लिस्ट पैकेज डॉट जेएसएन में पहले ही मौजूद है। देर इज़ ओनली वन लाइब्रेरी जो इस पैकेज में या इस सॉफ्टवेयर में या इस मेरे सर्वर में इस्तेमाल हो रही है, तो वो यहाँ से देख के उसको वो दोबारा इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। जब ये साइक्लिक पे पहुँचेगा तो वो भी यही करेगा, वो उसने पैकेज डॉट जेसन देखना है, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। तो नॉट मॉड्यूल इसलिए हम गिटहब में नहीं भेजते, क्योंकि एक तो ये फाइल हैवी होती है, उसको जाने आने में बहुत टाइम लगता है, क्यों जब आपने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की होगी कभी तो ये बहुत देर में कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। तो एक तो ये है इतना हैवी, दूसरा ये कि लाइब्रेरी मैं भी npm से डाउनलोड कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हैं, तो वो कर लेंगे खुद ही, उनको भेजने की क्या ज़रूरत है, उनको सिर्फ लाइब्रेरी का मैं नाम बता देता हूँ पैकेज डॉट जेसन में, ओके, ठीक है। तो मैं उसको अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस पूरे के पूरे कोड को मैं वापस वहीं पुश करने जा रहा हूँ जहाँ से ही आया था। तो गिट ऐड डॉट, एक बार मैं चला चुका था, दोबारा भी चला लूँ कोई मसला नहीं है। उसके बाद गिट कमिट माइनस m और मेरा एक मैसेज, ठीक है, my server code, right? एक मैसेज लिख दिया मैंने कमिट के साथ। उसके बाद गिट पुश एंटर, इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कोड वापस गिटहब की रिपोजिटरी में पहुंच जाएगा जहां से मैंने इस रिपोजिटरी को अभी अभी क्लोन किया है। आके यहां पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो कोड मुझे नज़र आ जाना चाहिए, ठीक है। ये कोड मेरे पास नज़र आ चुका है, ओनली वन कमिट, एक कमिट में मैंने पूरा का पूरा कोड पुश किया है, कमिट का मैसेज जो था माई सर्वर कोड वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और अब ये मेरी जो रिपोजिटरी है ये क्या है, एक छोटा सा वेब सर्वर है, वेब सर्वर भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस का सर्वर भी बोल सकते हैं, सिर्फ सर्वर का है तो भी ठीक है। तो वो यहाँ पर पहुँच चुका है, अब इसको मैंने साइक्लिक के साथ कनेक्ट करना है ताकि ये साइक्लिक क्या करे, इस कोड को अपने पास पुल कर ले, यहाँ से पुल करके ले जाए, अपने पास ले जाए, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अच्छा मेरे इस पीसी का काम ख़त्म, ये जो मैंने अभी भी क्लोन की थी रिपोजिटरी इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है, डजेंट मैटर, क्योंकि मेरे पीसी में अब जो भी कुछ था मैंने भेज दिया गिटहब डॉट कॉम पर, अब वहाँ पर वो रहेगा सेव, मैं अपने पीसी से डिलीट भी कर दूँ तो इट डजेंट मैटर,
ठीक है, तो अब मैं वापस जाता हूँ साइक्लिक पे, साइक्लिक के डैशबोर्ड पे गया, लिंक योर ओन के अंदर जाके मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मैं हाथ रखूँगा तो वो वाली रिपोजिटरी ना, ये वाली जो है माई फर्स्ट एक्सप्रेस सर्वर ऑन क्लाउड, ये यहाँ पे मुझे शो होना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा माई डैश, अच्छा नहीं शो हो रहा, लोड हो रहा, रिफ्रेश करो इसको, चलो रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अगर नहीं होगा तो पूरा का पूरा लिंक उठा के पेस्ट करूंगा तो भी हो जाएगा। हाँ माई डैश फर्स्ट। अच्छा क्योंकि मैंने लॉग इन विद गिटहब किया था साइक्लिक में, तो साइक्लिक मेरी तमाम की तमाम रिपोजिटरीज को देख सकता है, ठीक है, प्राइवेट भी होगी तो भी इसको नज़र आ रही होती है, और ये वहाँ से उसको पुल करके भी लाने का अहम है। तो माई फर्स्ट करके मेरी बहुत सारी रिपॉजिटरीज हैं, क्योंकि बैक टू बैक मैं बहुत सारी क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ, तो इसलिए आपको माई फर्स्ट करके ना बहुत सारी दिख रही होंगी इसमें। वेल तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी अभी बनाई है, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो वो गिटहब से उसको खींच के ला रहा है, फैचिंग इन्फो फ्रॉम गिटहब। ठीक है जी, कनेक्ट साइक्लिक टू फर्स्ट एक्सप्रेस रिपॉजिटरी ऑन क्लाउड। अब क्यों कनेक्ट, चलो दबा देते हैं कनेक्ट का बटन, कह रहा है तो दबा देते हैं। अच्छा ये हो गया, डिप्लॉय होना शुरू हो गया। ठीक है देखो ये बता रहा है कि ये कहाँ से खींच के लाया है, ये देखो फ्रॉम github.com/mnzamanmalik माई फर्स्ट एक्सप्रेस ऑन क्लाउड, ऐसे करके बता रहा है ये। और लास्ट में इसने मुझे क्या बोला कि डिप्लॉय सक्सेसफुली, और डिप्लॉय सक्सेसफुली के बाद इसने मुझे एक अदद यूआरएल भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ये यूआरएल क्या है, लोनली माइट स्वीट पैंट्स, एक रैंडम इसने एक नाम लिखा है और उसके आगे डॉट साइक्लिक डॉट ऐप लगा दिया है। ठीक है अच्छा फ्री वाले वर्जन में ये आपको रैंडमली मिल रहा होता है, लेकिन पेड वर्जन में अगर आप चाहें तो इस लिंक की जगह अपना URL भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना डोमेन भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डोमेन आपको साइक्लिक वाले नहीं देंगे, साइक्लिक वाले पेड प्लान पे ही आपको अलाउ करते हैं डोमेन कनेक्ट करना, लेकिन डोमेन आपको अलग से खरीदना होता है। ठीक है डोमेन सब लोगों को आइडिया है क्या चीज़ होती है? अच्छा जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनके लिए बता दूँ, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है तो मोबाइल फ़ोन आपका कोई सा भी हो लेकिन उसमें सिम कार्ड लगानी होती है आपको। ठीक है और जब आप शॉप पे जाते हैं आप कहते हैं मुझे सिम कार्ड दो, तो आपको वो बहुत सारे नंबर्स दिखा देता है, आपको ये उसमें से पसंद करते हैं, आप कहते हैं ठीक है ये वाला डन, वो सिम खरीद के आप अपने फ़ोन के अंदर लगा लेते हैं। फिर होता ही है कि कोई भी अगर फ़ोन करता है तो उस सिम के नंबर पे कॉल आती है, राइट उस सिम के नंबर पे कॉल आती है। अब तो बल्कि वो भी ऑप्शन आ गया है कि आपको अगर कोई नंबर वैसे ही दिल कर रहा है तो अपनी पसंद का नंबर आप जाके फ्रेंचाइज में बताते हैं, वो आपको क्या कहता है, वो कहता है कि ठीक है या तो कोई ले चुका है, मना कर देता है कि नहीं यार ये नंबर ऑलरेडी बिक चुका है, अगर वो अवेलेबल होता है तो वो निकाल के दे देता है। ठीक है तो डोमेन नेम भी इसी तरह होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है उसमें आपके पसंद का जो नाम होता है, आपके पसंद का सिम कार्ड, वो आपको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है जैसे मेरे पास एक जो वेबसाइट है sysborg.com, ठीक है जो हम यूज़ करते हैं air.sysborg.com, तो वो air.sysborg.com मैंने ख़रीदा है कहीं से। ठीक है एज अ सिम कार्ड, जैसे आप सिम कार्ड खरीदते हैं इसी तरह वो ख़रीदना पड़ता है। अच्छा सिम कार्ड में बैलेंस डालना होता है, इसमें ये होता है कि आप एक साल की फ़ीस पे करते हैं $8, $10, $5 डिपेंडिंग ऑन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है तो वो आपको पे करना होता है, तो वो डोमेन आपका हो जाता है एक साल के लिए, अगले साल आपको वो दोबारा पैसे पे करने होते हैं, अगर आप नहीं पे करेंगे तो वो डोमेन रिलीज़ हो जाता है दोबारा। ठीक है तो इसका एक पूरा सिस्टम चल रहा है, GoDaddy के नाम से एक प्लेटफॉर्म है बड़ा मशहूर, वहाँ से आप जाके ये ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा भी ये नेम चीप है, वहाँ से भी अक्सर मैं लेता हूँ डोमेन वगैरह, तो वो डोमेन बिल्कुल आप क्या करेंगे, जाएंगे आपको जैसे कोई भी एक नाम है, जैसे sailani.com अभी एक डोमेन है, मैं जाके वहाँ पर टाइप करूँगा sailani.com, अगर वो कोई पहले से ख़रीद चुका होगा तो मुझे बता देगा कि भाई ऑलरेडी टेकन, आप ये नहीं ले सकते, अगर अवेलेबल होगा तो कितने का है, वो कितने का बेच रहे हैं वो बता देंगे। ठीक है $8, $10 का वो होता है बराबर, आप वो पैसे पे करेंगे वो सिम कार्ड आपके पास आ जाएगा। अब वो सिम कार्ड जो है या वो डोमेन नेम जो है वो आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे साइक्लिक के साथ लाके कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है तो ये साइक्लिक जो आपको दे रहे हैं लोनली माइट स्वीट पैंट्स, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा sailani.com आ जाएगा यहाँ पे, अगर वो आपको मिल गया तो। ठीक है या कोई भी आपकी मर्ज़ी का, सैलानी का अवेलेबल है, कितने पैसों में आ रहा है, प्रीमियम पे लगाया होगा, प्रीमियम लिखा हुआ है,
प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जिस बंदे के पास वो डोमेन है ना, जो यूज़ कर रहा है उसको, अगर आप उसको प्रीमियम पे करेंगे ना, तो फ़ौरन वो डोमेन आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है, sysball.com लिखो, मैंने भी प्रीमियम पे लगाया है। ठीक है, वैसे मैंने बेचना नहीं है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट मैंने प्रीमियम पे लगाया है। कितने आ रहे हैं? $50,00,000 आ रहे हैं। सही है, तो मैंने वैसे वो बेचना नहीं है डोमेन, लेकिन अगर कोई $50,00,000 मुझे दे तो मैं मना भी नहीं करूँगा। क्यों मना करूँगा यार मैं? हाँ बोलो। ये API मेरी बन चुकी है, मतलब मेरे सर्वर का एक एड्रेस है। कल जब मैंने सर्वर बनाया था अपने कंप्यूटर पे, तो आप उसको कैसे हिट करते थे? मेरे कंप्यूटर का IP एड्रेस लिख के उसको हिट करते थे। इस वाले सर्वर को आप क्या करोगे? इस URL के जरिए हिट करोगे। तो चलते हैं ना, हिट करके देखते हैं इसको। मैंने इसको कॉपी किया इस लिंक को, और कॉपी करके इसको मैं अब चेक करने लगा। इधर गया मैं और जाके मैंने पेस्ट किया। पहले क्या लिखते थे आप? मेरी मशीन की IP एड्रेस :3000, क्योंकि 3000 पोर्ट पर चल रहा था। अब ये सर्वर जहाँ डिप्लॉय हुआ है ना, वो खुद ही देख लेगा कि क्या है, बस हमने ये URL हिट करना है, तो वो खुद ही चला देगा उसको। ठीक है जी, तो क्या था, हमने लिखा क्या था इस सर्वर में? बाय द वे ये तो देखें। अच्छा, स्लैश की रिक्वेस्ट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आएगा और साथ में टाइम आएगा। ये क्या हुआ? हाँ, ये चला तो नहीं है। ये क्या हुआ? ये लिंक सही नहीं दिया इसने दिया। अच्छा, लोनली स्वीट पैंट तो दे दिया। वेल, इससे अगर आगे देखते हैं, पता नहीं क्या हुआ इसको। ये क्या चीज़ है यार? पता नहीं क्या सीन है। वेल, अभी हम आगे चलते हैं ज़रा। गो टू माई फर्स्ट। अच्छा, इस ऐप की डैशबोर्ड पे अब जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या बता रहा है। सही तो है, ऑन ऐप, सर्वर तो आप है मेरा। माई सर्वर इज अप एंड रनिंग। जब मेरा सर्वर चल रहा है तो ये फिर एरर किस खुशी में दे रहा है? NPM स्टार्ट तो नहीं करना होता ना। ओके, गॉट इट। ये क्लियर जो मैंने लिखा है ना साथ साथ, ये मैंने एक चीज़ ऐड की थी, अगर आपको याद हो तो, वो क्लियर और एंड एंड करके मैंने लिखा था। तो ये जो है ना प्रॉब्लम, शायद ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये मुझे देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सर्वर के लॉग्स आ रहे होंगे, वहाँ जाके देख लूँगा मैं। लॉग्स में मुझे ये बता देगा एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये यही प्रॉब्लम है, कह रहा है फेल टू रन NPM स्टार्ट। ये क्लियर जो है ना, ये उसको समझ नहीं आ रहा है ये क्लियर है। मे बी इनके लिनक्स में क्लियर ना मौजूद हो, मे बी। ठीक है, ऐसा वैसा होना तो नहीं चाहिए यार। एक मिनट में क्लियर को ज़रा करके अब अपने पास तो चलाऊँ। मेरे पास NPM स्टार्ट करता हूँ मैं तो क्या बोलते हैं, मैंने कहा CD2 और नो CD5 टैब CD2 टैब NPM स्टार्ट START स्टार्ट। अच्छा, मेरे पास सही चल गया, क्योंकि मेरे पास क्लियर की कमांड मुझे पता है मेरे टर्मिनल पे मौजूद है। वो पता नहीं उसको कौन से टर्मिनल पे चला रहा है। वेल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको क्लियर को हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से हटाने से लेकिन मसला हल नहीं होगा, वो तो मैं GitHub में पुश कर चुका हूँ ना कोड, तो मैं यहाँ से जाके डायरेक्ट चेंज कर दूंगा। GitHub.com पे जाके डायरेक्ट भी तो चेंज कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं गया, package.json की फाइल खोली मैंने, और यहाँ से एडिट का बटन दबाया। एडिट का बटन दबा के मैंने ये क्लियर यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इसको प्रॉब्लम था ना, इससे हटा दिया मैंने। हटा के मैंने नीचे जाके इसको कमिट चेंजेस, ठीक है, अब इसमें मेरे रिपोजिटरी में चेंजेस हो चुकी हैं, लेकिन साइक्लिक पे वो चेंज डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। साइक्लिक पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट के टैब में जाके मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई क्या करो, रीडिप्लॉय करो इसको। ठीक है, रीडिप्लॉय करो इसको। अच्छा नहीं, ऑटोमेटिकली इसने पकड़ लिया है वो चेंज, अ फ्यू सेकंड्स अगो इसने ऑटोमेटिकली वो चेंज यहाँ पे पकड़ लिया है। रिफ्रेश करके देखता हूँ, हाँ नहीं, पकड़ लिया इसने वो चेंज। ये कह रहा है मैं 10:31 पे एक दफ़ा और डिप्लॉय कर चुका है,
10:31 तो अभी हो रहा है ना, ये 10:32 हो रहा है अभी, एक मिनट हो गया मुझे वो किया है काम, तो मतलब ये कर चुका है उसको डिप्लॉय। तो हमें इससे ये भी पता चला कि जब हम github.com पे जाके कोई चेंजेस करते हैं तो कोड को ही ऑटोमेटिकली पुल भी कर ले रहा है वहाँ से। अच्छी बात है, मैं दोबारा लॉग्स में जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या अभी भी वो प्रॉब्लम मौजूद है या ख़त्म हो गई है। अच्छा, इसको रिफ्रेश करूँगा लिंक को तो पता चल जाएगा मुझे। अब चल गया, वेल डन, गुड, ठीक है जी। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी बिल्कुल सही चल रहा है सर्वर। इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पोस्टमैन पे आके चला के देखता हूँ कि कितना टाइम लग रहा है इस रिक्वेस्ट को जाने और आने में, वो भी ज़रा नज़र मार लेते हैं। पेस्ट किया मैंने, सेंड का बटन दबाया तो 600 मिलीसेकंड लगा रहा है ये अभी भी, ठीक है। रीजन ज़रा देख लेते हैं, इसका रीजन क्या है, मेरे से करीब तरीन वाला रीजन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे से रीजन सेलेक्ट होगा? अच्छा जी, ये मेरे पास रीजन इसमें सेलेक्टेड है, कौन सा है, एशिया पैसिफिक, सिंगापुर में डिप्लॉय हुआ है इस वक्त ये राइट नाउ, ठीक है। है तो एशिया के अंदर ही, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से और अगर करीब तरीन कोई लोकेशन है तो वो देख सकते हैं। एक मुंबई भी आपके पास करीब तरीन लोकेशन है, लेकिन मुंबई में हम डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पर यह कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा होता है कि अपनी जो सर्वर की ऐप है या किसी भी किस्म का डेटाबेस है वो किसी ऐसे मुल्क में डिप्लॉय नहीं करते जो पॉलिटिकली आपका अपोज कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो, मतलब जब दो मुल्कों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपके बिजनेस का नुकसान ना हो गया उसके चक्कर में, ठीक है। मे बी वो आपका डेटाबेस सीज कर दें, बंद कर दें, क्योंकि उनको तो पता है ना कि कौन कौन सी पाकिस्तानी कंपनी मुंबई में डिप्लॉय करके बैठी हुई है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपके बिजनेस को नुकसान ना हो, इसलिए हमेशा ऐसी कंट्री का इंतखाब किया जाता है जो दोस्त कंट्री हो, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के हैं। दोस्ती वोस्ती तो वैसे कोई खैर होती होती नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो होता है दो कंट्रीज़ का म्यूचुअल बेनिफिट होता है, वो जब तक म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को दे रहे हैं वो दोस्त होते हैं, जिस दिन वो बंद होता है उस दिन दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, दोस्ती इसी को कहते हैं, ठीक है। दोस्ती में कोई ऐसा नहीं हो रहा कि चाइना कोई हम पे एहसान कर रहा है या हम उस पे कोई एहसान कर रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट है, जितना हम करेंगे उतना ही वो भी कर रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड दोस्ती। जिस दिन ये बैलेंस ख़राब हो गया, उस चाइना को लगा नहीं मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, इन्होंने नहीं किया, तो फिर उस दिन वो मसले मसाइल शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस मुल्क से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं हम कोशिश करते हैं वहाँ पे हम डिप्लॉय करें। वेल, तो मेरा ख्याल है डिप्लॉयमेंट को लेके इतना हमने काफ़ी देख लिया। अच्छा, इसके डैशबोर्ड में हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ मौजूद है। एक तो ओवरव्यू है हमारे पास, राइट। ओवरव्यू में ये कुछ ग्राफ वगैरह बना रहा है कि कितनी रिक्वेस्ट आपकी अभी तक आ चुकी है, इस तरह की कुछ चीज़ें दिखा रहा है। लास्ट 24 आवर का ग्राफ दिखा रहा है मुझे ये, ठीक है। आपकी ऐप का जो URL है वो यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। अगर शुरू में आप कॉपी करना भूल गए तो आप यहाँ से आके आप दोबारा भी उसको देख सकते हैं कि वो कैसे यहाँ पे से चल रहा है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के सेक्शन में ये बता रहा है कि कब कब आपका सर्वर डिप्लॉय हुआ है और उसके जो कमिट है जो वो कौन से कमिट को उठा के बैठा है, ठीक है। आपको पता है जब भी आप GitHub में कोई कमिट करते हैं तो उसका एक हैश जनरेट होता है। तो अगर मैं github.com पे जाकर देखूंगा तो अभी जो मेरा कमिट हुआ है ना लास्ट, मैं कमिट्स में जाऊंगा तो एक लिस्ट आ रही होगी, ये कमिट्स में गया मैं तो यहाँ पे देखो लिस्ट आ रही है और हर कमिट का एक हैश बना हुआ है। तो सबसे लेटेस्ट जो कमिट है मेरा वो ये वाला, राइट, ऐसा ही है ना, सबसे लेटेस्ट कमिट ये वाला है। इसका कोड क्या है, 29C5 करके है कोड। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं तो 29C5 वाला ही क्या है, लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट है। तो यहाँ से आपको अगर समझ टाइम वगैरह से सम टाइम अगर 2-3 एक जैसे टाइम हो तो आप इस हैश के जरिए भी देख सकते हैं कि अभी जो डिप्लॉय हुआ है कौन सी कमिट का कोड डिप्लॉय हुआ है, राइट। तो ये हमने डिप्लॉयमेंट का सेक्शन देख लिया। यहाँ से इसको गोल वाला बटन दबा के रीडिप्लॉय कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि डिप्लॉयमेंट किसी दूसरी वजह से फेल हो गई है या पता नहीं वैसे ही नहीं चली, तो आप उसको दोबारा रन कर सकते हैं। लॉग्स में आप क्या देख सकते हैं, जो भी कॉन्सोल पे आपने चीज़ें प्रिंट करवाई हुई हैं, पहले तो वो क्योंकि हमारे ही लोकल मशीन में सर्वर रन होता था तो यहीं पर लॉग्स आ रहे थे, आपने देखा था आप उधर से रिक्वेस्ट करते थे या लॉग आ जाते थे। अब क्योंकि यहाँ डिप्लॉय हो चुका है तो अब यहाँ आना पड़ेगा आपको इस सर्वर के लॉग्स देखने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये लिंक भेजता हूँ
अच्छा ये सिर्फ मुझे एरर के लॉग्स पता नहीं क्यों दिखा रहा है। टॉप टू सम गेट, अच्छा ये मुझे सिर्फ एरर वाले ही लॉग्स दिखा रहा है, ये पता नहीं क्या चक्कर है। वेल आपको मैं ये लिंक भेज रहा हूँ, आप सब लोग ज़रा इसको हिट करें तो आपको पता चलेगा कि ये मैं लिंक आपको भेजता हूँ air.sysborg पे। क्लास आईडी है आपकी वेब, ये मैंने इधर आपको ये लिंक भेजा है, लोनली माइट स्वीट पैंट्स, तो आप इसको ज़रा हिट करें देखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं लॉग्स, आ रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त, लेकिन जिस तेज़ी से आप कर रहे हैं उस तेज़ी से नहीं आ रहे हैं। बस ठंडा हो गया, टू मैनी रिक्वेस्ट आ गया ना। हाँ रिक्वेस्ट कर भी तो रहे हो तुम लोग इतनी सारी। आईपी सही बता रहे हैं तुम, आईपी सही नहीं बता रहे हैं, काफी सारी रिक्वेस्ट कर दी है ना तुम लोगों ने। सही है, यहाँ पे जरा ओवरव्यू में आके देखते हैं। अच्छा ये 24 आवर से कम का इसमें ऑप्शन नहीं है देखने का, वरना ये दिखा रहा होता कि अच्छा कितनी रिक्वेस्ट आ गई है। मैंने सही, यहाँ पे 16 तक आ रहा है, मेरे ख्याल अब एक घंटे बाद अपडेट होगा ये। टू मिनट आ गया, मिनट इन्होंने पर मिनट की कोई लिमिट शिमिट लगाई होगी मेरे ख्याल। नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा कि आप फिर पेड प्लान लोगे ना, जब आपके पास ट्रैफिक आ रहा होगा तो आप पेड प्लान लोगे। पर ये पर मिनट की इनकी कोई रिक्वेस्ट होगी, 100 या 150 कोई रिक्वेस्ट होगी, तो पर मिनट में अगर ये 100-200 रिक्वेस्ट भी आपको अलाउ कर रहा है तो इट्स अ लॉट के मतलब ट्रेल पीरियड के लिए फ्री में इट्स अ लॉट। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करके एक मेरे पास बना हुआ है टैब, ज़रा इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ है। अरे चल गया भाई, अच्छा ये ट्रांजेक्शन पता नहीं क्या है, वैल्यू एनवायरमेंट्स में चलते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट में जाके ना मेरे पास एक ऑप्शन ये दे रहा है कि ये वाला जो नाम है ये ना लोनली माइट स्वीट पैंट्स, अगर ये नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आके ना कोई दूसरा अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके ज़रा कुछ एक दो ट्राई करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है हेलो वर्ल्ड ट्राई करता हूँ, सेव का बटन दबाता हूँ। अच्छा कह रहे हैं हेलो वर्ल्ड, तो भाई कोई ले चुका है पहले, तो मैंने कहा हेलो एक्सप्रेस बताओ। हाँ ये मिल गया मुझे हेलो एक्सप्रेस, ठीक है जी। तो हेलो एक्सप्रेस डॉट cyclic.app, अब ये मेरा नया URL होने वाला है, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा ये। अब पेंडिंग पता नहीं कितनी देर तक पेंडिंग रहेगा, वेल अल्टीमेटली कभी ना कभी ये हेलो एक्सप्रेस डॉट cyclic.app ये हो जाएगा। अच्छा ऑटो डिप्लॉयमेंट हो गया, कैसे पता चला? अच्छा सही है, ये लो नया ही वाला अभी देता हूँ। ये लो नया ही वाला ले लो, सही है चलाओ मैं इसको। अच्छा एनवायरनमेंट के अंदर और क्या मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं ब्रांच बता सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे गिटहब से कौन सी ब्रांच से उठा के लाना है। एक ही ब्रांच हमने काम किया शुरू से लेके अभी तक, हमने ब्रांचेस बनाए, मजीद ब्रांचेस नहीं बनाई हमने अभी तक। जी नहीं ब्रांच पे नहीं डालोगे। देखो असल में होगा ये कि आपका जो सर्वर है ना वो रूट पे होगा,
और एक वेब का फोल्डर बना हुआ होगा आपकी रिपोजिटरी में, उसके अंदर पूरा आपका जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा। इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं प्रोफेशनली, इसी तरह मैं तो करता रहा हूँ, बाकी लोगों को मैंने इसी तरह देखा है कि रूट आपका जो है वो सर्वर होता है और एक वेब का बीच में फोल्डर बना हुआ होता है, उसके अंदर पूरा आपका वेब का आइटम होता है। ठीक है, तो सर्वर और वेब एक ही रिपोजिटरी में आप कर रहे होंगे। ठीक है जी, प्राइमरी रीजन वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अच्छा, प्राइमरी रीजन मुंबई ही सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसको मैं सिंगापुर करके उसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ मे बी। अच्छा, ये उसके बाद है वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स कौन से वाले वेरिएबल्स हैं? ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे। ठीक है, तो जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे MongoDB का लिंक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो हम पब्लिकली शो नहीं करना चाहते, तो उसको हम GitHub में नहीं लिखते। मतलब जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना एक्सप्रेस का, उसमें मैं कोई भी ऐसा अगर सीक्रेट क्रेडेंशियल होगा तो मैं उसको कोड में शामिल करके GitHub में पुश नहीं करूँगा। मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा आगे वेरिएबल में, और कोड में जहाँ जहाँ मुझे उसको यूज़ करना होगा वहाँ पे कैसे करूँगा, process.env और वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ऐसे करके लिखूँगा तो वो क्या होगा, वो जो डेटा है मेरा, वो जो क्रेडेंशियल है मेरा, वो क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ये वो इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो विंडोज़ में मैंने बताया था आपको कि अगर स्टार्ट का बटन दबा के env लिखेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। वो यहाँ पे इन्होंने एक अपना इंटरफेस इस तरह से बनाकर दिया हुआ है, और जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वो आपको इस तरह इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना अलाउ करते हैं। सही है, तो चाहे रेलवे हो, चाहे साइक्लिक हो, चाहे हरिको हो, चाहे गूगल ऐप इंजन हो, हर जगह पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल इस तरह बनाने का ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्जी के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ रख सकें। वेल, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया साइक्लिक को, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने लगे हैं वो भी मैं ज़रा बता देता हूँ। हम क्योंकि अब हमने क्या कर लिया है, ये सर्वर क्लाउड पे डिप्लॉय कर लिया है हमने, अब अगला काम हमने ये करना है कि एक छोटी सी हम जो वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, और उस वेदर एप्लीकेशन में हम पहले क्या करते थे कि रिएक्ट की ऐप से हम किसी दूसरे लोगों का सर्वर कॉल करते थे और वहाँ से वेदर का डेटा मंगवाते थे, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, हम खुद का सर्वर कॉल करेंगे, और हमारे सर्वर पे हम क्या रखेंगे, कुछ फिक्स सर्वर फिक्स वेदर का एक डेटा रख देंगे हम, और वो हमारे पास आ रहा होगा। क्योंकि भाई हमारे पास तो पूरे उसका डेटा नहीं है ना, हमारे पास सर्वर पे हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, तो हम फिक्स कुछ डेटा रख देंगे, तो हमारी प्रैक्टिस असल में ये होगी कि हम पोस्ट का डेटा रख देंगे, कोई भी ऐसी चीज़ रख देंगे हम सर्वर पे अपने। तो क्या करोगे आप, जब भी आप अपनी वेबसाइट को खोलेंगे तो आपका कंपोनेंट लोड होते ही वो क्या करेगा, एक सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा। इससे पहले वो सर्वर किसका था, ओपन वेदर API वालों का था, अब की बार वो आपके खुद का सर्वर होगा और वो साइक्लिक पे डिप्लॉय होगा, और उस सर्वर से वो कुछ ना कुछ डेटा फैच करके लाएगा और उसको स्क्रीन पे लाके डिस्प्ले करा देगा। सर्वर और API जो जिस तरह तुम पूछ रहे हो एक ही बात है, लेकिन इनफैक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सर्वर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाउड पे कहीं चल रहा होता है, और APIs क्या होती हैं कि वो क्या क्या अपने ऑप्शन उसमें एक्सपोज किए हैं। सही है, जैसे ये पीछे AC चल रहा है ना, अब AC के ऊपर बटन लगा हुआ है, कितने बटन लगे हुए हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे करने का, दिस इज़ 1 API। सही है, मॉड चेंज करने का बटन है, दिस इज़ 2nd API। उसके फ़ैन की स्पीड चेंज करने का, ये दिस इज़ अ 3rd API। तो उस सर्वर में क्या क्या करने का ऑप्शन मैंने एक आम बंदे को दिया हुआ है। जैसे मेरा जो ये वाला जो सर्वर है, ये वाला जो सर्वर है, इसमें कितनी APIs बनी हुई हैं, देयर इज़ ओनली 1 API जो स्लैश की रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट करता है, उसको डेट और टाइम मिल जाता है, दैट्स इट। तो मेरे सर्वर में इस वक्त कितनी API मौजूद है, देयर इज़ ओनली 1 API। अच्छा, अगर बंदा ये करे कि जैसे मेरे सर्वर का URL और स्लैश और अबाउट लिख के अगर रिक्वेस्ट मारे तो क्या मिलेगा उसको, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, करके देखते हैं ये, मैं पोस्टमैन में आता हूँ इधर, पोस्टमैन में आके और मैं बोलता हूँ कि स्लैश अबाउट और एंटर। अब ये कह रहा है भाई अबाउट जो नॉट फाउंड 404, तो मैं अबाउट बना दूंगा थोड़ी देर, कल बनाएंगे इंशाल्लाह, weather/weather/post कुछ भी बना सकता हूँ मैं। तो जब मैं वो बना दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरे सर्वर में 2 API हो जाएगी, दो काम करने के काबिल हो जाएगा मेरा सर्वर। ठीक है, तो सर्वर और API में फ़र्क समझ आ गया, क्या पूछ रहा हूँ।
हाँ सर, वो अपने सर्वर में हार्ड कोड लिखेंगे या इनपुट बना के उसके जरिए सर्वर पे भेजेंगे? नहीं, असल में तो सर्वर के ऊपर ना, सर्वर डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। जब सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर पे डेटा नहीं होता, सर्वर क्या करता है डेटाबेस से ढूंढ के निकालता है और आपको दे देता है। सही है, होता तो असल में इस तरह है, लेकिन फिलहाल हमने डेटाबेस नहीं पढ़ा, सिर्फ सर्वर पढ़ा। तो हम सर्वर पे हार्ड कोडेड फिलहाल रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो डेटाबेस में हुआ करेगा हमारा डेटा। ठीक है, अब मिसाल लो, जैसे ट्विटर की मिसाल लो। अब ट्विटर के अंदर जब आप ट्विटर का पेज खोलते हो तो वो सारी ट्वीट कहाँ से उठ के आती है? वो डेटाबेस से उठ के आती है। और डेटाबेस में वो आई कहाँ से? हम ही नहीं डाली है, जो आम लोग यूज़ कर रहे हैं उन्होंने ही डाला है। तो ट्विटर खोला आपने, टेक्स्ट बॉक्स में लिखा कि व्हाट इज़ इन योर माइंड, और ट्वीट का बटन दबा दिया, तो वो टेक्स्ट उठ के कहाँ गया? सर्वर पे गया। सर्वर के साथ एक डेटाबेस कनेक्टेड था, वहाँ पे जाके सेव हो गया डेटाबेस में। ठीक है, अब किसकी पोस्ट थी, किसने की है, कितने बजे की है, वो सब डेटा साथ साथ सेव हुआ। अब कोई दूसरा बंदा जब अपना ट्विटर ओपन करता है तो वो क्या करता है, सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मैं ट्विटर ओपन कर रहा हूँ, मुझे सारी ट्वीट्स दो। वो सारी ट्वीट्स क्या करता है, वो डेटाबेस में देखता है और पिछले एक घंटे की जितनी भी ट्वीट्स होती हैं या जो लेटेस्ट 100 ट्वीट्स हैं वो डेटाबेस से उठाता है, रिगार्डलेस कि उसमें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, ला के आपको देता है, वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा होता है कि आप ही में से लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, वो डेटाबेस में जा रहा होता है, वापस आ रहा होता है। तो बीच में सर्वर का फिर क्या रोल हुआ? सर्वर का जो रोल है बीच में, वो बिजनेस लॉजिक का रोल है। बिजनेस लॉजिक अगर सर्वर बीच में नहीं होगा, अगर बीच में सर्वर नहीं होगा तो जो ट्वीट करने वाला है उसको थोड़ी पता है डेटाबेस में किस जगह पे कैसे जाके उसको सजाना है डेटाबेस को। अगर मैं डेटाबेस का एक्सेस डायरेक्ट दे दूंगा फ्रंट एंड से, तो फ्रंट एंड वाला तो कुछ भी करेगा अपनी मर्जी से, डेटाबेस का बेड़ा गर्क करके रख देगा। सही है, कैसे उसमें रखना है उसका मिसयूज भी कर सकता है वो। तो इसलिए सर्वर जो है वो एक लेयर होती है और बिजनेस लॉजिक सर्वर के पीछे हिडन होती है। जब ट्विटर के ऊपर कुछ लिख के आप ट्वीट का बटन दबाते हैं तो वो टेक्स्ट उठ के सर्वर तक तो जाता है, ये आपको पता है, लेकिन सर्वर में जाने के बाद अंदर क्या करता है वो, उस टेक्स्ट के साथ कैसे उसको डेटाबेस में स्टोर करता है, क्या प्रोसेस करता है उस पर, जो एनोमली डिटेक्शन वगैरह चलाता है पूरा कि भाई ये बंदे ने कोई हैरेसमेंट की बात तो नहीं लिख दी, और बहुत सारे उस पर चेक्स चलते हैं, वो आपको नहीं पता, वो बिजनेस लॉजिक हिडन है, सर्वर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो सर्वर का जो लिखा हुआ कोड होता है वो प्राइवेट होता है, वो आम लोग नहीं देख सकते, वो पब्लिक नहीं होता है, वो सिर्फ उसको पता होता है जिसने वो सर्वर लिखा है। ठीक है, आपको रिस्पांस मिलता है जस्ट जी, और वो APIs एक्सपोज होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एज अ यूज़र मेरे लिए उस सर्वर से APIs एक्सपोज हैं, और वो APIs हिट होती हैं जब मैं HTML के पेज पर बटन्स प्रेस कर रहा होता हूँ, तो वो APIs हिट होती हैं। जितनी API ट्विटर वालों ने बना के एक्सपोज कर दिए, मैं वही APIs कॉल कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उन APIs में मौजूद नहीं है तो वो काम मैं नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इस AC में ऐसा कोई बटन नहीं है कि जिसको दबाने से AC में आ गए थे, ऐसा कोई बटन नहीं है। ठीक है, तो यह काम मैं नहीं कर सकता। तो इसी तरह ट्विटर के सर्वर वालों ने कोई ऐसी API एक्सपोज नहीं की है कि जिस API को मैं कॉल करूं तो ट्विटर के सर्वर में आग लग जाए। तो इसका मतलब है कि यहां से बैठ के मैं उसके सर्वर में आग नहीं लगा सकता, API उसकी एक्सपोज ही नहीं है। हो सकती थी बाय द वे, मे बी हो सकती थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई API, उन्होंने ट्विटर की सर्वर वालों ने कोई ऐसी API एक्सपोज नहीं की है जिससे मैं तमाम की तमाम ट्वीट को डिलीट कर दूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी ट्वीट को डिलीट कर सकता हूँ, मैं आप में से किसी की ट्वीट को डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी API एक्सपोज नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ की API एक्सपोज होगी वही काम मैं कर सकता हूँ, बाकी कोई भी काम मैं नहीं कर सकता। जी सर्वर के अंदर होते हैं। अब हर ऐप ने अपने हिसाब से ना सिक्योरिटी के चेक्स लगाए ना, हम जाहिर है वो सारे चेक्स तो नहीं लगा के देखेंगे क्योंकि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट जाती है, उन्होंने रिसेंटली एक एल्गोरिथम लिखा है, वो फैक्ट को चेक करता है कि ये जो बात पोस्ट की जा रही है ये कहीं झूठ पे मबनी तो नहीं है। हाँ, वो पता नहीं कैसे करता है, बोलते हैं वो कि हमने ये लगाया, पता नहीं, गॉड नोज। अच्छा, अगर वो झूठ पे मबनी होती तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाते, वो उसको डाउन कर देते हैं उस पोस्ट को, थोड़े 2-4 लोगों को दिखाते हैं और वहीं डाउन कर देते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाते। अब वो कैसे डिटेक्ट करते हैं वो हमें नहीं बताया, होगा कोई तरीका उनके पास। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं, कोई दहशतगर्दी पे मबनी पोस्ट होती है, फेसबुक के बकौल पोस्ट को डाउन कर देते हैं।
इसी तरह अगर आपका जो पोस्ट है उसमें कोई ब्लड वगैरह अगर शो हो रहा है तो वो फेसबुक डिटेक्ट कर लेता है, आपने देखा होगा। सही है, तो वो बहुत सारे चेक्स हैं, वो एक बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि फेसबुक इस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते उसको सालों लगे हैं। ठीक है, वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं हुआ था कि जिस दिन फेसबुक बना था उस दिन ये सारी चीज़ें हो गई थी। उस वक्त तो फेसबुक में पता नहीं क्या क्या पोस्ट हो जाता था, कुछ भी नहीं बोलता था कोई, लेकिन अब वो वक्त के साथ साथ और गवर्नमेंट के जोर डालने पे उन्होंने बहुत सारे उसमें चेक्स लगा दिए हैं, बहुत सारे चेक सिक्योरिटी के चेक्स या सिक्योरिटी के उसमें आप कह लेंगे फिल्टर्स लगा दिए हैं जो वक्त के साथ साथ लगे। तो आप भी जो अभी बनाएंगे छोटा मोटा ट्विटर व्टर उसमें जाहिर है वो सारे चेक्स नहीं होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अपनी वेदर एप्लीकेशन हमने बनानी है नेक्स्ट क्लास में।